हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आरआरबी के लिए सभी लोग एकदम एक्साइटेड है, और जो एज लिमिट है वो भी 36 तक है, तो इतने सारे लोग एग्जाम देने वाले। 2019 में 25 लाख लोग एग्जाम दिए थे, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 लाख तो मिनिमम होंगे। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या 25 लाख लोगों का नंबर भी ब्रेक हो सकता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, 8,000 वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट टाइम 33 एज लिमिट थी, इस बार 36 है, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि क्या 25 लाख लोगों का नंबर ब्रेक हो सकता है। देखते हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है आरआरबी जेई में। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो डिप्लोमा जो इंजीनियर स्टूडेंट्स है, जो डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने आते हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेपर का जो लेवल्स होगा वो उसी स्टाइल का होगा जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते या चाहते। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नॉर्मली आरआरबी जेई, ये तो हर साल निकलता नहीं, लेकिन एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन सब एग्जाम में पेपर बहुत एनालिटिकल और मैथमेटिकल नहीं आता है। माना जाता है कि एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को मैथमेटिकल अप्रोच उतना कंफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि वो उतने डिटेल में मैथ्स में नहीं जाते। ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता है, बट फिर भी 95% लोग उतने मैथमेटिकल फॉर्म में कंफर्टेबल नहीं होते। तो 95% डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो गेट को लेके उतने मतलब एक्साइटेड भी नहीं रहते और उतने सीरियस भी नहीं होते। उनको पता है कि उनके लिए थोड़ा सा टफ है। 5% डिप्लोमा वाले स्टूडेंट गेट भी करते हैं, गेट निकालते भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकालते हैं, लेकिन 5% लोग, 95% लोग नहीं निकालते। तो ये जो 95% लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ कॉम्पिटिशन होगा जिसको बहुत टेक्निकल आता है, जबकि आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो उस तरीके से है ही नहीं। एक CBT 1 है जो स्क्रीनिंग है, लगभग 1,20,000 लोगों को निकाला जाएगा और वो CBT 2 का एग्जाम अपियर करेंगे। ठीक है, और CBT 1 में आपको पता है कि क्या क्या है। तो CBT 1 में बहुत ऐसे नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और एग्जाम में सही अटेम्प्ट लेना है और आप स्क्रीनिंग निकाल लोगे। CBT 2 में जब जाओगे आपके पास, तो आपकी जो ब्रांच होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चार ब्रांचेस मेनली है, और CBT 2 में टेक और नॉन टेक दोनों ही है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। टेक्निकल से घबराने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो टेक्निकल इनडेप्थ तो नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले होंगे, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वाले होंगे, बहुत पेन पेपर चलाना नहीं पड़ेगा। और जो 50 नॉन टेक वाले क्वेश्चन होंगे वो लगभग अगेन CBT 1 के जैसे ही होंगे। तो उसके बाद ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई ग्रुप डिस्कशन, सीधे ही DV है और ME है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपकी सीधे ज्वाइनिंग होगी। तो मेरे को लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ऐसी बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती नहीं है। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स को तो इस अपॉर्चुनिटी को इनकेस करना चाहिए। अब वो एग्जाम निकलता है नहीं निकलता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है, आप कैसे सोचते हो, आप कितना एफर्ट करते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बिग रहने वाला है। स्पेशली ऐसे लोग बहुत एफर्ट करने को रेडी है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किसी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, अब निकलना है, या पिछले 6 साल से जॉब कर रहे हैं उनको लगता है निकलना है। वो लोग बहुत सीरियस होंगे, वो लोग बहुत बैठ के पढ़ रहे होंगे, और ये सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि गेट टाइप का है कि वो निकाल नहीं पाएंगे, निकाल सकता है इसको कोई भी मेहनत करके। इसलिए ये जरूरी नहीं कि कौन कितने फ्लो में है। गेट के एग्जाम के लिए तो फ्लो जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल से आप टेक्निकल नहीं पढ़े और गेट निकालो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आरआरबी जैसा हो सकता है। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, हर साल नहीं मिलती, तो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समान यूज कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 25 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, ये मत सोचिएगा कि 1,20,000 लोग स्क्रीनिंग निकालेंगे ओनली। आप ये सोचिएगा कि आपको एक सीट चाहिए, और आप अगर बेस्ट एफर्ट देंगे, और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी है, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, तो भी आरआरबी जेई आप क्रैक कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके, थैंक यू।